हेलो एवरीवन, क्लास में गणित सीखने के तीन तरीके होते हैं। पहला एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त, दूसरा पिक्टोरियल या चित्रों की मदद से, तीसरा कॉन्क्रीट या ठोस वस्तुओं के सहारे गणित सीखा जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि एब्स्ट्रैक्ट तरीके से जब बच्चों को गणित सिखाया जाता है तो उन्हें उन अमूर्त कल्पनाओं को करने में आसानी नहीं होती, उनको मुश्किल लगता है। इसी तरह जब ज्योमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चों को समझाए जाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से समझना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। इसी के कारण हम यहाँ पर कुछ बोर्ड और चीजें लेकर आए हैं और एक्टिविटीज लेकर आए हैं जिनके सहारे बच्चे इन बोर्ड्स पर उन गणित के कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं, हाइपोथेसाइज करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे, कुछ मेजरमेंट्स करेंगे और गणित को समझने में उनको आसानी होगी और वो गणित में रुचि ले पाएंगे। रोजमर्रा के व्यवहार के उदाहरण और कहानियां भी बच्चों को गणित से जोड़े रखती हैं, तो जिससे बच्चे इन बोर्ड्स पर जब एक्टिविटी करेंगे तो अपनी एक्टिविटी करके लर्निंग बाय डूइंग मेथड से या खुद करके सीख सकेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज हम यहाँ पर खेल खेल में नंबर ऑपरेशंस करने वाले हैं। इन नंबर ऑपरेशंस को करने के लिए हमारे पास एक बोर्ड है। इस बोर्ड पे एक नंबर लाइन है जिसके सेंटर में जीरो है और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स है और राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स है। इन नंबर ऑपरेशंस को करने के लिए हमें दो ट्रैफिक मैन मदद करने वाले हैं, मिस्टर पॉजिटिव जो नीले रंग के हैं और मिस्टर नेगेटिव जो लाल रंग के हैं, और इनकी हाथों की दिशा से हमें बताएंगे कि हमें किस दिशा में चलना है। साथ ही हमारे पास ये एक येलो लाइट है। हमारे सारे नंबर ऑपरेशंस की शुरुआत हम इस येलो लाइट से करेंगे और जैसे ही एक ऑपरेशन हो जाएगा हम येलो लाइट पर आकर रुक जाएंगे। हमारे खेल के दो नियम हैं। जब नियम पहला, जब भी हम कोई नंबर ऑपरेशन करेंगे तो जो भी साइन हमारे सामने आएगा उस साइन के हिसाब से, अगर पॉजिटिव साइन आएगा तो मिस्टर पॉजिटिव सामने आएंगे और वो हमें बताएंगे कि किस दिशा में जाना है। अगर निगेटिव साइन आएगा तो मिस्टर निगेटिव सामने आएंगे और वो हमें बताएंगे कि किस दिशा में जाना है। और दूसरा खेल का नियम यह है कि जब भी कोई ट्रैफिक मैन सामने आ गए और उसके बाद अगर फिर से निगेटिव साइन सामने आता है तो उस ट्रैफिक मैन को अपना चांस खोना पड़ता है और उन्हें अपना चांस दूसरे ट्रैफिक मैन को देना पड़ता है। तो चलिए करें खेल की शुरुआत। हमारी पहली केस है 5 + -3 की। तो खेल की शुरुआत में हम येलो लाइट पे रहेंगे। यहां से हम पहला नंबर है 5, तो मिस्टर पॉजिटिव को सामने आना होगा। मिस्टर पॉजिटिव हमें बताते हैं कि इस राइट डायरेक्शन में 5 कदम चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, और हम फिर येलो लाइट पर आकर रुक जाएंगे। उसके बाद 5 के बाद फिर एक पॉजिटिव आता है तो मिस्टर पॉजिटिव फिर सामने आ जाएंगे, लेकिन ये क्या, उसके बाद तो निगेटिव साइन है तो मिस्टर पॉजिटिव को अपना चांस खो देना पड़ेगा और मिस्टर निगेटिव को चांस मिल जाएगा। और उसके बाद मिस्टर निगेटिव हमें बताएंगे कि 3 कदम लेफ्ट साइड में चलना है, तो 1, 2, 3 हम यहां आकर रुक गए और यहां पे पहुंच गए, तो हम पहुंच गए हैं +2 पे। हमारा अगला केस है -4 + 6। फिर से हम 0 पे पहुंच जाएंगे। -4, तो निगेटिव साइन आने के कारण मिस्टर निगेटिव सामने आ गए और मिस्टर निगेटिव ने हमें बताया कि लेफ्ट साइड में 4 कदम आगे जाना है, 1, 2, 3, 4। खेल के नियम के हिसाब से हम फिर यहां आकर रुक गए, तो येलो लाइट सामने आ गया और उसके बाद है +6, तो पॉजिटिव साइन होने के कारण मिस्टर पॉजिटिव सामने आ गए और अब 6 कदम राइट साइड में जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहां आने के बाद हम रुक जाएंगे, तो हम फिर +2 पर आकर पहुंच गए। अगली केस है -3 - -2। फिर 0 पे पहुंच गए येलो लाइट पे, -3, सो मिस्टर निगेटिव सामने आ गए
और हम तीन कदम लेफ्ट साइड में पहुंच गए, 1 2 3। यहां आने के बाद फिर हम येलो लाइट पे रुक गए, उसके बाद नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन के कारण फिर मिस्टर नेगेटिव सामने आ गए। लेकिन जैसे ही अगला नेगेटिव सामने आ गया, मिस्टर नेगेटिव को अपनी चांस छोड़नी पड़ेगी और मिस्टर नेगेटिव को यह चांस मिस्टर पॉजिटिव को देनी पड़ेगी। यहां आने के बाद मिस्टर पॉजिटिव ने हमें बताया कि 2 कदम राइट साइड में जाइए, तो हम यहां आ गए -1। तो इस तरह हम -1 पर पहुंच गए। यहां आने के बाद हम देखेंगे कि मिस्टर पॉजिटिव और मिस्टर नेगेटिव की मदद से हमने इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व कर लिया। अगर हम बोर्ड पे इन ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि मिस्टर नेगेटिव और मिस्टर पॉजिटिव ने हमारी बहुत बढ़िया मदद की और हमें सही आंसर्स तक पहुंचा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मिस्टर पॉजिटिव और मिस्टर नेगेटिव की मदद से ये नंबर ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे।